रानी ब्लॉग के साथ मैं हूँ हमजा नवाज। और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट खुशाब है ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से फेमस है, जिनमें से एक साल्ट रेंज है। इस साल्ट रेंज में हमारे पास जो है वो वादी सून है, जो कि बहुत फेमस है, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। लेकिन आज हमने जो चीज़ एक्सप्लोर करनी है वो है एक छोटी सी वादी हमारे गाँव के साथ है, वादी कट्ठा मिसराल। तो इस वादी कट्ठा मिसराल में हमारे पास दो तारीख के अतबार से बहुत जो है वो पुरानी दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास इसमें जंदर है जो कि सिखों के दौर का है, और एक हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा किला मौजूद है जो कि शेर शाह सूरी ने बनवाया था, जिसका नाम है किला कोट। अगर आपने यहाँ पर आना हो तो ये डिस्ट्रिक्ट खुशाब जो है, अगर आप खुशाब में आए तो खुशाब से ये 25 किलोमीटर ऊपर ये वादी मिसराल है, और इसमें फिर आपको आगे मकामी लोगों की मदद से यहाँ तक आना पड़ता है, क्योंकि ये पहाड़ में आगे जगह है। तो आज हमने भी इसका पहली दफ़ा विजिट करना है, हमने इसके बारे में सुना था, तो हमने कहा कि आप लोगों को इसके बारे में दिखा दें, इसका इसका एक्सप्लोर कर दें, विजिट करवा दें। तो हमने भी पहली दफ़ा जाना है, आप लोगों को भी दिखाते हैं, तो आए इसको देखते हैं। भाई वहाँ पे ऊपर है, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत जगह है। मैं भी ऊपर जाता हूँ और वहाँ पे हमजा भाई इसके बारे में आपको बताएंगे। अच्छा तो गाइस हम पहुँच आए हैं यहाँ पर ना जंदर पे। ये तकरीबन कोई इस जंदर को बने हुए एक सदी गुजर चुकी है, तो सदी से भी शायद ज़्यादा अरसा हो गया। ये सिखों के दौर में ये जंदर बना था, तो यहाँ पर आजकल के आर्टिफिशियल दौर में जो है वो फ्लोर्स मिल लगी हुई हैं हमारे गांव में, हमारे शहरों में चक्कियाँ लगी हुई हैं आटे की। तो ये जो जंदर है ये सिखों के दौर में बना था, तो इसका मकसद है यहाँ पर आटा जो है ना वो बनता है, और ये बड़े मैनुअल तरीके से और बड़े खूबसूरत तरीके से ये जो है ना वो आटा बनता है। आप हैरान हो जाएंगे कि कैसा कुदरत का ये एक शाहकार, जिसको यूज़ करके इस्तेमाल करके इन्होंने एक यहाँ पर प्रोसेस लगाया हुआ। और इसका मुकम्मल जो प्रोसीजर है वो ये है कि ये देखिए यहाँ ऊपर चश्मा है, यहाँ पर चश्मा है सुल्तान मेहदी वाला, वहाँ से ये पानी आ रहा है और ये पानी नीचे जाता है, नीचे पानी यहाँ से पानी ऊपर चश्मे से आता है और पानी नीचे जाता है। और ये जो पानी है नीचे एक पंखा लगा हुआ है, नीचे पंखा लगा हुआ है और उस पंखे के ऊपर ये पानी जाके गिरता है और वो पंखा चलता है और उससे ये टर्बाइन लगी हुई है वो इस तरह चलती है और यहाँ से आटा बनता है। हम आपको कंप्लीट प्रोसीजर दिखाते हैं, ये यहाँ से पानी आ रहा है, ये नीचे जा रहा है, अभी हम नीचे जाते हैं। ये गैस जो ऊपर से हमने आपको दिखाया है, जो पानी हमारे पास ऊपर से आता है वो इसके नीचे पंखा लगा हुआ है और ये उससे ये जो है ना वो चल रहा है। ये ऊपर से ये देखें, ये यहाँ से दाने डाले जाते हैं यहाँ से, और ये नीचे देखें, ये एक कुदरती तरीके से ये प्रोसेस जो है वो चल रहा है। पानी नीचे पंखा लगा हुआ है, उसके ऊपर पानी, ऊपर से जो हमने आपको पानी दिखाया था वो गिरता है यहाँ पर और ये चल रहा है, और ये कुदरती तरीके से ये देखिए ये एक आटा बन रहा है। और ये काफ़ी पुराना जो है ना वो यहाँ पर मौजूद है, एक सदी इसको हो गई है, सदी से भी ज़्यादा का अरसा हो गया। और मकामी लोग यहाँ पर जो है ना वो इनके पास अभी भी लेकर आते हैं, ये देखें के पास सिस्टम है काफ़ी। और इसके अलावा यहाँ पर इस पानी का ये देखें, ये फिर जो पानी ऊपर से आ रहा है ये यहाँ तक आगे ये इस तरह डिलीवर हो जाता है खेतों वगैरह में, और ये पानी बहुत ज़्यादा मीठा है और इसी पानी को ये यूज़ करते हैं पीने के लिए भी। और इस पानी का एक इन्होंने और भी यहाँ पर देखें, ये एक सिस्टम ये देखें, ये जो ऊपर से वही पानी आ रहा है उसी को यूज़ करके, उसी पानी को ये यूज़ करके ये देखें, ये यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रिक का भी सिस्टम बनाया हुआ, बिजली वगैरह का जो है ना वो ये अपनी ही वो उससे इसको प्रोड्यूस करते हैं बिजली वगैरह भी।
हम जा रहे हैं आगे किला पक्का कोट की तरफ। गाइज फाइनली हम किला कोट पे पहुंचे हैं और ये कोहिस्तान नमक में साल रेंज में कट्ठा मिसरार की वादी से 2 किलोमीटर शुमाल की जानब ये मौजूद है। और ये किला जो है वो शेर शाह सूरी ने अपने दौर में बनवाया था मुख्तलिफ किस्म के जो दुश्मन की फौजों से ये महफूज करने के लिए अपने आप को ये किला बनाया था। इसके अगेंस्ट एक किला जिले में मौजूद है किला रोहतास के नाम से, वो भी शेर शाह सूरी ने बनवाया था और ये भी शेर शाह सूरी ने बनवाया और इसको भी तकरीबन 1 सदी से ज़्यादा का अरसा हो गया और इसमें बहुत अच्छा मटेरियल जो है वो यूज़ किया गया, ये आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। और इस किला कोट को सात घरा भी कहते हैं, सात घरा इसलिए इसको कहते हैं कि इस किले में दाखिल होने के लिए 7 मुख्तलिफ किस्म के रास्ते मौजूद हैं। ये किला एक बंद डब्बे की जानब है, इस तरह एक बंद बना हुआ है और इसमें दाखिल होने के लिए 7 रास्ते हैं तो इसलिए इसको 7 घरा कहते हैं। तो हम अभी इसके ऊपर भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे, ऊपर से ये बिल्कुल कंप्लीट बंद है और हम किसी तरीके से इसके अंदर भी जाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको दिखा सकें कि ये अंदर जाने के लिए जो रास्ते बने हुए हैं उसी तरह जिस तरह बने थे स्टार्ट में उसी तरह ये रास्ते आप भी मौजूद हैं। तो क्या ये इसमें हम दाखिल हो सकते हैं कि नहीं ये भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये आप पीछे देख रहे हैं ये हम मौजूद हैं, इसके ऊपर भी जाएँगे हम। और ये एक देखें साल्ट रेंज में हमारे ये डिस्ट्रिक्ट खुशाब में ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है जिसको इतना ज़्यादा अरसा हो गया और आप लाजमी इसको विज़िट करें, आएँ देखें। इसके ऊपर आ गए हैं, ये इसकी ऊपर सीढ़ियाँ हैं और ये इसका ना जो हमने आपको बताया था कि इसके 7 रास्ते हैं उनमें से एक रास्ता ये आपको दिखाते हैं। जरा ये देखिएगा, ये इसमें एक लंबा ये रास्ता है ये आगे जाता है। तो अगर इसमें हम आगे जाएं बहुत ज्यादा अंधेरा है, आए देखने की कोशिश करते हैं इसमें आगे जाते हैं। तो ये इससे नीचे अगर जाए तो ये आगे उसी तरफ ओपन हो जाता है। ये एक उन 7 रास्तों में से एक रास्ता है, हम आगे थोड़ा सा गए हैं लेकिन आगे जाना मुश्किल है, आगे से ये रास्ता बहुत ज्यादा अरसा हो गया तो ये बंद हो गया। अभी हम इसके ऊपर जाते हैं, ये सीढ़ियां बनी हुई हैं उस टाइम की ये देखें। तो अभी हम ये ऊपर जाते हैं, ऊपर से आपको दिखाते हैं कि इसकी क्या हालात है ऊपर। उन 7 रास्तों में से ये भी एक रास्ता है, ये हम इसकी सीढ़ियां चढ़े हैं। ये ऊपर से ये देखें, ये कंप्लीट वो बंद टाइप जो है ना वो ये बना हुआ है किला, ये इसका ऊपर से सारा ये है। यहाँ से आप इसको ये कह सकते हैं कि ये एक मोर्चा टाइप, या आप जो उस वक्त की आर्मी थी फौज थी, ये ऊपर से ये इसका ये बिल्कुल इसके चारों तरफ ये पहाड़ है इसके और यहाँ ऊपर से चश्मे का पानी भी आ रहा है और ये पहाड़ों के बीच में ये एक उस टाइम शेर शाह सूरी ने ये जो है ना वो बनवाया था किला। दूसरे भाई जो हैं वो मेरे साथ जो थे वो एक रास्ते से आ रहे हैं, देखते हैं कि वो यहाँ से निकलते हैं कि नहीं निकलते। जो एक रास्ता 7वां 7 बना हुआ है उनमें से एक रास्ता है ये देखें ये भाई आ गए हैं। अच्छा, जो सीढ़ियों से रास्ता अंदर आ रहा था ना वहाँ से मैं अंदर आया हूँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देख सकते हैं, ये जो रास्ता है ना, ये सीढ़ियों के पास से आ रहा था, जो हमने ऊपर आया ना सीढ़ियों से दिखाया था, तो उस रास्ते से मैं अंदर आया हूँ यहाँ पे। सो अभी नीचे भी ये रास्ता है, भी नीचे उतरता हूँ मैं, थोड़ा नीचे वाले रास्तों को भी देखता हूँ। ये देख सकते हैं, मैं जाता हूँ वापिस और दूसरा रास्ता देखता हूँ। ये आप देख सकते हैं ऊपर से जो हमजा भाई आपको दिखा रहे थे, मैं इधर बिल्कुल रास्ते के बीचों बीच बैठा हूँ। सो वहाँ पे एक रास्ता है और एक वो रास्ता है, नीचे से भी अंदर आ सकता है, लेकिन नीचे से बहुत मुश्किलात सामने आती हैं, तो मुश्किल से गुजर के अंदर आना पड़ता है। नीचे नीचे तो शायद हम नहीं जाएं। सो यहाँ तक मैं आ सकता था तो मैं आया हूँ, हाई मैं चलता हूँ ऊपर। अच्छा, तो हम कुछ खाने की चीज़ें लाए थे, अभी हम वो खा रहे हैं। ये था हमारा आज का व्लॉग, और हम आज का अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब ने एंजॉय किया होगा बहुत ज़्यादा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और हमारे साथ जुड़े रहें। मज़ीद इस तरह की जितनी भी छुपी हुई चीज़ें हैं डिस्ट्रिक्ट खुशाब में, हम आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़।